पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान 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 सके तो पहचान, की रोशनी चंदा की चांदनी। सूरज की रोशनी चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया। सूरज की रोशनी चंदा की चांदनी, सूरज की रोशनी चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया। सब में उसी की माया, पर्वत पहाड़ और नदी ये झरने, सब में उसी की माया। दिया सृष्टि को ये वरदान, दिया सृष्टि को ये वरदान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। हाथ खोलो, जन्म से पहले जीव मात्र का, जन्म से पहले जीव मात्र का, वो ही है पालनहारा। जन्म से पहले जीव मात्र का, वो ही है पालनहारा। हाड़ मांस और रुधिर के अंदर, हाड़ मांस और रुधिर के अंदर बहती दूध की धारा। डाले माटी के ओ डाले माटी के पुतले में जान, डाले माटी के पुतले में जान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, अद्भुत जगत की लीला देख कर होता नहीं विश्वास। बिन आधार ये धरती खड़ी है, बिन आधार ये धरती खड़ी है, बिन खंभों के आधार। देखो क्या गजब होता है, कितना गजब होता है। 10,000 लोगों को बैठाने के लिए पंडाल बंधा है, देख रहे हैं कितने खंबे लगे हैं। इधर भी खंबा है, इधर भी खंबा है, बाहर भी खंबा है, उधर भी खंबा है। खास बात देखो, प्रभु की लीला अगर 10,000 लोगों को बैठाना हो तो 100 खंबे लगाने पड़ते हैं, पर उसने बिना खंबों के पूरा आसमान ही खड़ा किया हुआ है। प्रभु की लीला है। अद्भुत जगत की लीला देख कर होता नहीं विश्वास। बिन आधार ये धरती खड़ी है, बिन खंभों के आकाश। कैसी लीलाओ प्रभु की महान, कैसी लीलाओ प्रभु की महान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान।
कण कण में छिपा है भगवान। अपनी बात की शुरुआत मैं इतिहास की एक बड़ी प्यारी घटना के साथ कर रहा हूं। भगवान के एक बहुत प्यारे शिष्य थे जिनका नाम था अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक की एक ही बेटी थी जिसका नाम था चूल सुभद्रा। चूल सुभद्रा भगवान की इतनी अनन्य उपासक, भगवान की इतनी अनन्य सेविका, हर पल प्रतिपल सांसों सांस में जो प्रभु के नाम का स्मरण करती रहती थी और जिसका नियम था कि सदैव अगर प्रभु आसपास में है तो उनके दर्शन किए बगैर मुंह में पानी तक नहीं लेती थी। जब देखो तब सुबह उठते ही प्रभु का नाम, दोपहर में प्रभु का नाम, किचन में प्रभु का नाम, खाना खाते समय भी उठते बैठते चलते फिरते हर काम में उसके तो सांसों सांस में प्रभु बस गए थे। पर संयोग की बात ऐसी हुई, उस प्रभु की परम उपासिका चूल सुभद्रा का विवाह एक ऐसे घर में हो गया जहां पर भगवान का नाम लेना भी पाप माना जाता था। जब संयोग से ऐसे घर में चली गई और अगले दिन ही घर वालों को पता लगा कि ये तो भगवान की उपासना और आराधना करती है, तो पति ने साफ साफ कह दिया हमारे घर में भगवान का नाम लेना मना है। सास ने कह दिया अगर भगवान का नाम लिया तो उसी दिन वापस पीहर रवाना कर दूंगी। ससुर अड़ गया अगर भगवान का नाम ले लिया तो हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। चूल सुभद्रा ने सोचा अरे जिसको सांसों सांस में जीती रही आज कैसे मुकाम पर पहुंच गई। पर उसे पता था कि कोई भी व्यक्ति जबान पर तो ताला लगा सकता है पर किसी के दिल पे ताला लगाना तो दुनिया में किसी के हाथ में नहीं है। और सांसों सांस में उसका सुमिरन चलता रहता। कभी कभी घर के पिछवाड़े जो बगीचा था वहां चली जाती और पेड़ की छाया में बैठकर प्रभु का नाम स्मरण करती रहती। 2 साल बीत गए पर प्रभु का नाम उससे न छूटा। एक दिन उसके सास ने, ससुर ने, पति ने, देवर ने, जेठ ने, सब की उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि तू रोज रोज ये भगवान का यहां पर प्रार्थना करती है, अरे तेरे भगवान कभी 40 मील दूर, कभी 100 मील दूर, कभी 1000 मील दूर होते हैं, क्या तेरी प्रार्थना वहां तक पहुंचती है। चूल सुभद्रा ने कहा अगर मेरी प्रार्थना सच्ची है तो 100% भगवान तक मेरी प्रार्थना पहुंचती है। तो सास ने चैलेंज देते हुए कहा अगर ऐसा है तो तुम्हारे भगवान यहां से अभी 40 मील दूर है। तुम कहती है कि तुम्हारी प्रार्थना पहुंचती है, हम सब के सब लोग भगवान के उपासक हो जाएंगे, तुम्हें केवल एक काम करना है, तू यहां बैठे बैठे प्रार्थना से भगवान को प्रार्थना कर कि हे भगवान कल का भोजन आप मेरे घर पर करें। चूल सुभद्रा ने कहा इतनी सी बात, अगर ऐसा है तो कल का भोजन भगवान का हमारे घर पर ही होगा। घर के पिछवाड़े में गई और जाकर जूही के पेड़ से, जूही के पौधे से 5-7 जूही के फूल लेकर आई, घर के आंगन में आई और आकर के आंख बंद की और बंद करके कहा हे प्रभु अगर मैंने आपको अंतर मन से हमेशा ध्याया हो, अगर मैंने अंतर्भावना से हमेशा आपकी पूजा की हो, अगर मैंने मन प्राण शक्ति से अपनी आत्मा से सदा आपकी आराधना की हो तो मेरी आराधना का फल दो प्रभु, कल का आपका भोजन सारे शिष्यों के साथ मेरे घर पर स्वीकार करें। और ये कहते हुए चूल सुभद्रा ने जूही के फूल आसमान में उछाल दिए। जूही के फूल आसमान में उछल गए, घर वालों से कहने लगी करो तैयारी, कल भगवान 500 लोगों के साथ आएंगे। अरे घर वालों ने कहा बेवकूफ ऐसे कोई अरे मैं कहती हूं ना तैयारी शुरू करो, भगवान आ रहे हैं कल आहार के लिए, उनके 500 शिष्य आ रहे हैं कल आहार के लिए। इधर भगवान प्रवचन दे रहे थे, अपनी ही सभा में प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन देते देते ही जब प्रवचन पूर्ण हुआ तो चूल सुभद्रा का पिता अनाथ पिंडक उनकी सेवा में ही बैठा था और उसने कहा प्रभु मेरी इच्छा है कि कल का भोजन आप मेरे घर पर करें। भगवान ने कहा नहीं बस मैं कल के भोजन की किसी को हां भर चुका हूं। क्या कहा? मैं कल के आहार की किसी को हां भर चुका हूं। अनाथ पिंडक ने कहा प्रभु सुबह से मैं आपकी सेवा में बैठा हूं और मेरे अलावा किसी ने आपको अनुरोध भी नहीं किया, ये आपने किसको हां भर दी? कहा देखो देखो वातावरण में कोई खुशबू आ रही है। अनाथ पिंडक ने कहा हां प्रभु खुशबू तो आ रही है, हां अलौकिक खुशबू आ रही है, बड़ी दिव्य खुशबू आ रही है, बस मैंने इसी खुशबू को हां भरा है कल के भोजन की। कहा मतलब
कहा, भाई तुम्हारी बिटिया ने अपने ससुराल में बैठे बैठे जूही के फूल उछाले हैं और मुझे निमंत्रण दिया है कि मैं कल का भोजन उनके घर करूं, और मैं अब भी रवाना हो रहे हम सब लोग, क्योंकि 40 मील दूर है, उसकी श्रद्धा की लाज रखनी है और कल का भोजन हमें उसी के घर पर करना है। कहते हैं तब उन जूही के फूलों की सुवास, उस दिल की आवाज, उस प्रार्थना के बोल ने भगवान के अंतर हृदय को इस तरह प्रभावित किया, और तब भगवान ने वहां से अपनी पद यात्रा शुरू की। दिन भर चलते रहे शिष्यों के साथ, अगले दिन भी सुबह उन्होंने अपनी पद यात्रा शुरू की, और चलते 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 11 बजे के करीबन 40 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए भगवान अपने 500 शिष्यों के साथ गांव में पहुंच गए। नगर में खबर लग गई, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, चूल सुभद्रा के यहाँ भगवान आ रहे हैं। और वहां चूल सुभद्रा ने तैयारियां शुरू कर दी थी, घर के लोग मजाक उड़ा रहे थे, ऐसे कोई आते हैं क्या, ऐसे कोई आते हैं क्या, ऐसे कोई आते हैं क्या। और करीबन 11:30 बजे होंगे, प्रभु मुस्कुराते हुए, भगवान मुस्कुराते हुए चूल सुभद्रा के द्वार पर पहुंचे। जैसे कभी चंदन बाला के द्वार पर प्रभु पहुंचे थे, ऐसे ही चूल सुभद्रा के द्वार पर पहुंचे। सजल नयनों से चूल सुभद्रा ने भगवान का स्वागत किया, उनके चरणों में गिर पड़ी, कहा, भगवान आपका गजब प्रभाव है, आपका गजब चमत्कार है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, दुनिया में कभी भगवान में चमत्कार नहीं होता, चमत्कार जब भी होता है तो भक्त की भक्ति में चमत्कार होता है। दुनिया में जब भी चमत्कार होता है तो भगवान कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाते, अरे ये चमत्कार तो तुम्हारी भावना का परिणाम था, तूने इतनी श्रद्धा, इतने प्रेम, इतने भावना से ये जूही के फूल उछाले थे कि जिसके चलते मुझे आने के लिए विवश होना पड़ा। भगवान द्वार पर पहुंचे और तब उसके सास ने, उसके ससुर ने, उसके पति ने, उसके देवर ने, उसके जेठ ने, उसकी जेठानी ने, सब ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु आज हम मान गए कि जिंदगी में प्रभु होते हैं, प्रभु की प्रार्थना होती है, प्रार्थना का प्रभाव होता है और प्रार्थना का चमत्कार होता है। जब जब कोई चंदन बाला, जब जब कोई चंदन बाला प्रभु को पुकारती है तो प्रभु उसके द्वार पर पहुंचते हैं, जब जब मीरा किसी मोहन को पुकारती है तो मोहन उसके द्वार पर पहुंचते हैं, जब जब चूल सुभद्रा किसी प्रभु को पुकारती है तो प्रभु उसके द्वार पर पहुंचते हैं, और जब जब कोई मां मरुदेवी परमात्मा की याद में आंसू बहाती है तो उसे मोक्ष मिलता है, और जब जब कोई राजुल प्रभु की याद में अगर अपनी आंखों में आंसू बहाती है तो गिरनार की पगडंडी उसे मिल जाया करती है। हमारी प्रार्थना, मुझे कोई पूछे कि जिंदगी में ईश्वर से अगर सीधा संपर्क स्थापित करने का सबसे सरल तरीका क्या है, परम पिता परमेश्वर से संपर्क स्थापित करने का सबसे सरल तरीका, अरे प्रार्थना वो तरीका है, हृदय से उठती है और होठों तक आती है। देखो, प्रार्थना हृदय से उठती है और होठों तक आती है, कितनी दूरी है, कितनी दूरी है, केवल 8 इंच की दूरी है। ये 8 इंच की दूरी तय करे, गजब की बात, देखो हृदय में उठी प्रार्थना होठों तक आए, उससे पहले तो परमात्मा तक पहुंच जाया करती है। ये प्रार्थना का गजब चमत्कार होता है कि प्रार्थना हृदय से उठती है और होठों तक आए, उससे पहले परमात्मा तक पहुंच जाती है। प्रार्थना मनुष्य के अंतर्मन में उठने वाले वो प्रकृष्ट भाव है, जहां पर व्यक्ति बिना स्वार्थ के प्रभु की पूजा करता है, जहां पर व्यक्ति बिना स्वार्थ के प्रभु को याद करता है, जहां पर परमार्थ भाव से, दो शब्द हैं, एक है प्रार्थना, एक है स्वार्थ, दोनों ही अर्थ से बने हैं। जब व्यक्ति का अर्थ, जब व्यक्ति के मन की इच्छाएं परमार्थ भाव से, सकल लोक के कल्याण से जुड़ जाती है, परमात्मा से जुड़ जाती है, तो उसका नाम प्रार्थना हो जाता है, और जब व्यक्ति की भावना अपने आप से केवल अपने कल्याण के लिए जुड़ जाती है तो उसी का नाम स्वार्थ हो जाता है। प्रार्थना तब परिणाम नहीं देती जब व्यक्ति अपने लिए मांगता है, क्योंकि अपने लिए मांगने का नाम प्रार्थना नहीं होता, उसका नाम याचना होता है। भगवान के द्वार पर जब भी जाओ ना, कोई याचक बनकर मत जाओ, याचना करने के लिए नहीं जाते हैं। भगवान के द्वार पर हम जब भी जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। ईश्वर ने आपके बैंक के अकाउंट में प्रेम भी भरा है, ईश्वर ने आपके बैंक के अकाउंट में प्रेम भी भरा है, ईश्वर ने आपके बैंक के अकाउंट में आनंद भी भरा है, ईश्वर ने आपके बैंक के अकाउंट में शांति और समृद्धि भी भरी है। और यदि आपको एटीएम के द्वारा यह सब निकालना हो तो पासवर्ड बता दूं,
आपकी जिंदगी में भगवान ने आपके बैंक अकाउंट में होलसेल में शांति भरी है, समृद्धि भरी है, प्रेम भरा है, आनंद भरा है, माधुर्य भरा है, मिठास भरा है, खुशियां भरी है। और इन सबको अगर एटीएम के द्वारा इंसान को निकालना हो तो उसका पासवर्ड है पी, नोट कर लो, पी आर ए आर टी एच ए एन ए। सब बोलो, सब बोलो। और ये वो पासवर्ड है जिससे आदमी अपने जिंदगी की एटीएम से जिंदगी में जो चाहे जितना चाहे, अनलिमिटेड पासवर्ड है, जितना चाहे उतना आदमी अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है जब व्यक्ति अपने अंतर के तार उस दिव्य सत्ता से जोड़ता है। याद करें, हमारी जिंदगी में भी ऐसे कई बार मौके आए होंगे जब जब हमने एहसास किया कि ओह, और जब हमने उसको याद किया संकट की वेला का शस्त्र बनकर आ गया। जब जब हमारे जीवन में कोई संकट आया संकट के निवारण के लिए कभी हनुमान बनकर आ गए, इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट के निवारण के लिए। प्रार्थना दो काम करती है, ईश्वर की भक्ति दो काम करती है, नंबर एक बोलो तो इष्ट की प्राप्ति के लिए और नंबर दो अनिष्ट के निवारण के लिए। जब व्यक्ति अपने अंतर हृदय के तार प्रभु से जोड़ता है, अगर आपको लगता है आप कहीं परदेश में हैं, प्रयोग करके देखना प्रार्थना के प्रयोग, अगर आपको लगता है आप कहीं परदेश में हैं, आपको अचानक पता लगा कि अमुक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपका भतीजा है, चाहे वो आपका पोता है, चाहे वो आपका परिवार का और कोई सदस्य है, और जैसे ही आपको अचानक पता लगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, बजाय हाय तौबा मचाने के, बजाय सिरपच्ची करने की, बजाय फोन पे फोन क्या हालचाल है, और वहां जो लोग संभाल रहे हैं उनको तंग करने के बजाय प्रयोग करके देखिएगा, झट से अपने घर के उस स्थान पर जाकर बैठ जाएं जहां पर रोज आप पूजा और आराधना करते हैं, और उस स्थान पर जाकर आंख बंद करके उस व्यक्ति के चेहरे को याद करके जिसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी दुर्घटना हो गई है, जिसके लिए आपको सूचना आई है कि वो खतरे में है, जिसके लिए सूचना आई है कि वो आईसीयू में है, कुछ मत करना, केवल आंख बंद करके और 3 मिनट तक उसकी छवि को अपनी आंखों में लेकर परमात्मा की छवि का अंतर ध्यान करके और भगवान से अपने अनुरोध करना, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, डॉक्टरों ने कहा है कि बचाना संभव नहीं है, पर दुनिया में किसको बचाना और किसको मारना यह फैसला डॉक्टर करेंगे या तुम करेंगे। आज ये साबित कर दो ईश्वर कि उसको बचाने और मारने का फैसला डॉक्टर नहीं करेगा, तुम करोगे। और वो जो मेरा सबसे खास अंतेवासी, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, कुछ मत करो ईश्वर, एक बार उसको जीवन दे दो। प्रार्थना करने के 1 घंटे के बाद फोन करना तो सूचना आएगी उसको होश आ गया है। एक महिला ने जिसका एक बेटा बेंगलोर रहता था और दूसरा बेटा बॉम्बे रहता था, दोनों को फोन कराया और कहा कि बेटा मुझे जरूरी काम है, कल की कल फ्लाइट से रवाना होके आओ। दोनों बच्चे पहुंचे, सोचा मम्मी के ऐसा क्या हो गया, जिंदगी में कभी नहीं कहा आने के लिए अचानक, और अचानक मम्मी का फोन आया है कि दोनों को एक साथ बुलाया है। बेंगलुरु वाला बॉम्बे पहुंचा, बॉम्बे से वापस राजस्थान पहुंचे और राजस्थान के बड़े शहर में जहां पर वो रहते थे मम्मी के पास पहुंचे और जाकर कहा, बोलो मां क्या बात है, अचानक कैसे बुलाया। कहा, बेटा बस कुछ नहीं, तुम लोगों की याद हो आई थी और मैंने ये निर्णय लिया है कि जितनी भी मेरी जमीन जायदाद है, मकान है, जितनी भी संपत्ति है, तुम दोनों में बंटवारा करना चाहती हूं। कहा, मां कैसी बावड़ी हो, अरे यार मकान के बंटवारे के लिए, जमीन के बंटवारे के लिए, खेतों के बंटवारे के लिए इतना अर्जेंट आपने हमको बुलाया, हम अपने ऑफिस से छोड़कर आए हैं मां। कहा, नहीं बस मैंने कहा ना, मेरी इच्छा हो गई थी, मुझे आज का आज तुम लोगों का सारा बंटवारा करना है। ठीक है, मम्मी की जैसी इच्छा, दोनों में धन का बंटवारा, सारी जमीन जायदाद सब मम्मी ने कर करा के निक्की कर दिया। अगले दिन दोनों बेटे चले गए। 2 दिन के बाद वो महिला शहर के पास के बड़े शहर में पहुंची जहां पर बड़े डॉक्टरों ने पहले उसकी जांच की हुई थी और जांच करने के बाद बताया था कि तुम्हारे ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के लिए पहुंची। डॉक्टरों ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन, तुम इतना बड़ा ऑपरेशन कराने आई हो, तुम्हारे साथ कौन। महिला ने इशारा किया, कौन, अगर अंगुली है तो एक और ऊपर कर दो, कौन तुम्हारे साथ। ऊपर वाला डॉक्टरों ने कहा, मजाक कर रही हो, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन है,
इतना बड़ा ऑपरेशन है और तुम कहते हो ऊपर वाला, उसने कहा बस मैंने कह दिया ना सारी जवाबदारी मेरी है, तुम जो कहो मैं लिख कर देने को तैयार हूं, पर मेरे साथ मेरा ऊपर वाला है, तुम निश्चिंत होकर मेरा ऑपरेशन करो। सारी चीजें लिखवा दी गई, जन्म और मृत्यु तक की जवाबदारी महिला ने खुद उठा ली, मैं जीऊं या मरूं मेरी जवाबदारी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, 8 घंटे तक ऑपरेशन चला, सब लोग सोच रहे थे बेचारी महिला कैसी है, कोई नहीं है इसके परिवार में, बेचारी महिला कैसी है, कोई नहीं है इसके परिवार में, बेचारी महिला कैसी है, कोई नहीं आया इसके लिए। अगले दिन महिला को होश पूरा आया, उसके अगले दिन पास में उसकी 2 नर्स खड़ी थी, महिला ने 2 नंबर दिए और कहा ये दोनों मेरे बेटे हैं, इनको फ़ोन कर दो कि तुम्हारी माँ के ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है और वो तुम्हें याद कर रही है। पास में खड़ी नर्सों ने कहा क्या बात करते हो, तुम्हारे 2 बेटे भी हैं और वो इतने दुष्ट हैं कि वो तुम्हारे इतने बड़े ऑपरेशन में यहाँ पहुंचे तक निकाले? नहीं 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 नहीं, वो दुष्ट नहीं है, उनको तो खबर भी नहीं है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। का मतलब? उनको खबर नहीं है। दोनों बच्चों को सूचना दी गई माँ के ऑपरेशन हुआ है। बच्चों ने कहा माँ पागल है क्या, अरे यार 5-7 दिन पहले तो हम जाकर आए हैं, मां ने कोई जिक्र नहीं किया कि धन का बंटवारा करना है बस और कुछ नहीं करना, और ये अचानक ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करने की सूचना, आखिर मां मां कर क्या रही है, बिल्कुल ही पागल हो गई है क्या? दोनों पहुंचे और जाकर मम्मी पर अस्पताल में पहुंच पर चिल्लाते हुए बरसते हुए कहने लगे मां तू भी कैसी बावड़ी है, अरे ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करा हमें बताया तक नहीं। कहा बेटा चिल्लाओ मत, चिल्लाए कैसे नहीं मां, इतना बड़ा तुमने निर्णय लिया और हमको जानकारी तक ना दी। कहा बेटा मैंने सोचा तब भी मैंने उस पर भरोसा किया तो आज क्यों ना कर लूं। बच्चों ने कहा तब का मतलब? कहा बेटा छोटे वाले बेटा सुन, जब तू मेरे पेट में था ना 9 महीने पूरे हो गए, अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टरों ने कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन थिएटर में ले जाते तुम्हारे पापा और मुझसे दोनों से साइन करा लिए थे और कहा गया कि पेट में जहर फैलता जा रहा है, या तो जच्चा बचेगा या फिर बच्चा बचेगा, समझ गए, या तो मां बचेगी या बेटा बचेगा। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया कि दोनों को बचाना नामुमकिन है। मेरे प्यारे बेटों, जब मुझे वो ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे और मुझे बताया गया कि दोनों को बचाना नामुमकिन है, मैंने हाथ ऊपर करके भगवान से कहा भगवान ये डॉक्टर मेरे जीवन का फैसला कैसे कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दोनों को बचाना नामुमकिन, या तो जच्चा बचेगा या बच्चा बचेगा, भगवान तो ऐसा कुछ चमत्कार कर किन डॉक्टरों को बता दे कि बचाने वाला भी वो है, उठाने वाला भी वो है, तुम्हारे हाथ में केवल व्यवस्था करना है, तुम बता दे कि तुम दोनों को बचा सकता है, मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, मेरा जीवन तेरे हवाले, तू बचा के बता कि तू इन दोनों को बचा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑपरेशन हो गया, मेरे प्यारे बेटे तू भी बच गया और मैं भी बच गई। डॉक्टर सब आश्चर्यचकित थे कि इम्पॉसिबल था दोनों को बचाना, पर गजब बच गए दोनों। बेटा जब थोड़े दिन पहले मुझे पता लगा कि मेरे ब्रेन ट्यूमर है, मेरे मन में आया तब मैंने भगवान पे भरोसा किया था, आज मुझे किस पे भरोसा करना है, तब मैंने भगवान पे भरोसा किया और उसने मुझे बचाया था, तो बेटा मेरे मन में यह संकल्प जगा जब भगवान ने तब मुझे बचाया तो आज भी मैं भगवान पे भरोसा करके ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी और देखो बेटा मैं फिर बच गई हूं, बचाने वाला वो है। मेरी प्रार्थना की पुकार चली कि आज मैं फिर बच गई हूं बेटा और मेरा ऑपरेशन सफल हो गया है। बड़े लोगों के अभिमान की बजाय छोटे लोगों की श्रद्धा कहीं बहुत ज्यादा होती है, और ये जो प्रार्थना की पुकार होती है ना, ये जो प्रार्थना की आवाज होती है ना, ये जो भीतर के बोल निकल कर आती है ना, मेरे भाई दुनिया में गीत गाने वाले 2 लोग हुए हैं, एक तो तब कभी मीरा ने गीत गाए थे और आज कभी लता और अनुराधा गीत गाया करती है, और फर्क ये है मीरा अगर गीत गाती है तो उसे परमात्मा मिलते हैं, और लता और अनुराधा अगर गीत गाती है उसे फाल्के पुरस्कार मिलते हैं। फैसला आपको करना है, हमारे गीत पुरस्कार तक जा रहे हैं या परमात्मा तक जा रहे हैं। फैसला हर इंसान को अपने आप के लिए करना है। मीरा अगर गीत गाती है तो उसके गीतों की आवाज परमात्मा तक जाती है और परमात्मा उसे मिल जाया करते हैं, और लता और अनुराधा अगर गाती है तो उनको पुरस्कार मिल जाया करता है। फर्क इतना है मीरा हृदय से गाती है, परमात्मा तक आवाज जाती है, और हम सब लोग कंठ से गाते हैं, हमारी आवाज केवल परमात्मा तक तो क्या पुरस्कार तक चली जाती है, बात अधूरी हो जाती है।
संकट की वेला का अंतिम शस्त्र। इसलिए आज जो मैं बातें करूंगा ना, कोई प्रवचन की बातें नहीं होगी। आज अब मैं जो आपसे बातें करूंगा, ये दिल की बातें होंगी। दिल के तार उस परम पिता परमेश्वर से हम जोड़ेंगे और अपने दिल के तार जोड़कर रोज अपन प्रवचन का आनंद लेते हैं। दिमाग से काम करते हैं, आज दिमाग को अलग रखेंगे, आज दिल से बात करेंगे, दिल से दिल के लिए और दिल से परमात्मा के तार जोड़ेंगे और अपनी बात उनके लिए करेंगे। मेरे भाई, प्रार्थना हमारे अहम को मिटाती है और अरहम को जगाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे कलुषित विचार मिट जाया करते हैं। याद करो, जब हम तनाव में होते हैं, प्रयोग करके देखना मेरे कहने पर ही। जैसे ही आपको लगे कि आप किसी तनाव में हैं, कुछ मत करना, आंख बंद करना, हाथ जोड़ना, कोई भी प्रार्थना के बोल शुरू कर देना। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। आप एहसास करेंगे, केवल दो मिनट प्रार्थना करने के बाद आप अपने अंतर्मन को तौलिएगा और आपको लगेगा आपके भीतर का तनाव हल्का हो गया। प्रयोग करके देखना, कभी आपको लगे कि आपको चिंता सवार हो गई है और एक ही बात दिमाग से निकल नहीं पा रही, कुछ मत करना, मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, और तू चाहे तो इसे संभाले। आंख बंद करके फिर कोई प्रार्थना करना, आप एहसास करेंगे जैसे ही आपने प्रार्थना की, आपका तन मन बिल्कुल हल्का हो गया। प्रार्थना हमारे अहम को गिराती है, भीतर में अरहम को जगाती है। प्रार्थना हमें बल देती है। एक कमजोर इंसान के लिए सबसे बड़ा बल, अरे मेरे भाई याद रखना, अगर आप पति पत्नी है ना, तो जीवन भर एक याद रखना, पत्नी को लगता है मुझे पति का सहारा है और पति को लगता है मुझे पत्नी का सहारा है। एक बार दोनों के मन को करीब लाकर देखो कि आप दोनों को किसका सहारा है। सोचो, सोच कर सोचो। पति को लगता है पत्नी का सहारा है, पत्नी को लगता है पति का सहारा है, पर सोचो जब दुनिया में कोई इंसान का सहारा नहीं रहता, तब भी इंसान के पास, अरे वो द्रौपदी कैसे भूल गए जब एक और उसके पांच पांच पति पांडव बैठे हैं, अरे सभा में पितामह भीष्म बैठे हैं, एक और दुर्योधन बैठे हैं, उनके 100-100 लोग बैठे हैं, दूसरी तरफ धृतराष्ट्र बैठे हैं आंख पर पट्टी बांधे हुए। पितामह भीष्म जैसे लोग, कृपाचार्य द्रोणाचार्य जैसे लोग वहां पर बैठे हैं और एक नारी की इज्जत उतारने के लिए। और तब दुर्योधन का भाई दुशासन राजसभा में ले आता है, पांचों पांडव नपुंसक बनकर बैठ गए। युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा, भीम जैसा महाबली, अर्जुन जैसा धनुर्धर और पितामह भीष्म जैसे महापुरुष लोग जिस राजसभा में मौन साधकर बैठ गए थे। द्रौपदी ने एक एक को पुकारा, धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर तुम तो अपनी पत्नी की लाज बचाओ। आंख नीची कर ली, अर्जुन को ललकारा, अर्जुन बड़े धनुर्धर बने हुए थे, तुम तो अपनी पत्नी की इज्जत को बचा लो। आंख नीची हो गई, सबके सब लोग जुए में खुद को भी हार गए थे, संपत्ति को भी हार गए थे और तो और अपनी पत्नी को भी हार गए। और तब द्रौपदी ने पितामह भीष्म को ललकारा और ललकारते हुए कहा, पितामह आप बड़े दुनिया में धर्म के सारथी माने जाते हो, अरे आपने तो प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए राज सुख तक का त्याग कर रखा है, एक नारी की लाज बचाना आपके हाथ में नहीं है। एक एक को भरी राजसभा में द्रौपदी ने ललकारा होगा। और इधर दुशासन अपनी दुष्ट नीति पर उतर आया, दुर्योधन ने आदेश दिया कि इसके चीरहरण कर लिया जाए, इसके वस्त्र उतार लिए जाए, इसकी साड़ी खींच ली जाए और मेरी झंगा पर इसको बैठाया जाए। और तब द्रौपदी ने हाथ ऊपर करके पुकारा था, बिन काज आज महाराज लाज गई मौरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मौरी, अरे दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में दे। पांच पांच पांडव धरे रह गए, पितामह भीष्म बैठे रह गए, कृपाचार्य द्रोणाचार्य सबके सब गुरुजन बैठे रह गए। और इधर जब द्रौपदी की इज्जत उतारी जाने लगी, याद रखना जब तुम्हारा पति भी तुम्हारा साथ नहीं देता, जब आपकी पत्नी भी आपका साथ नहीं देती, जब आपका भाई भी आपका साथ नहीं देता, जब आपका शिष्य भी आपका साथ नहीं देता, जब परिवार का कोई व्यक्ति, समाज का कोई व्यक्ति, जिंदगी का कोई व्यक्ति साथ नहीं देता, तब भी विश्वास रखो, अरे जब कोई नहीं तुम्हारा नाथ, तब भी वो बैठा है जगन्नाथ। जब लगता है दुनिया में कोई मेरा नाथ नहीं है, तब भी वो एक बैठा है जगन्नाथ। और तब सबको इतिहास की कहानी याद है किस तरह से द्रौपदी के चीरहरण होते हुए की इज्जत बची गई। और परिणाम निकल कर आया, दुशासन थक गया, वस्त्र को उतारते उतारते दुशासन थक गया। पर जिसको बचाने के लिए भगवान चले हैं, दुनिया में कौन सी ताकत है कि उसको बचने में से कोई रोक सके। प्रार्थना, जब जब इंसान ने ईश्वर को अंतर मन से पुकारा,
तब तब प्रभु उसके द्वार पर आए आए आए। आचार्य मानतुंग राजा ने बुलाया अपने यहां, उज्जैनी के राजा भोज ने गुस्से में आकर आचार्य मानतुंग को बुलाया और यह कहते हुए कि मैंने सुना है तुम लोग चमत्कार दिखाया करते हो, मुझे आज राजसभा में चमत्कार दिखाना। आचार्य ने कहा हम संत लोग हैं, हम कोई चमत्कार नहीं दिखाते, हम मुक्ति के लिए साधना करते हैं, हम आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं। राजा अड़ गया, तुम्हें चमत्कार दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और अंततः आचार्य मानतुंग को राजा ने जंजीरों से जकड़ दिया, पूरे शरीर को जंजीरों से जकड़ दिया और एक ऐसी जेल में कारागार में डाल दिया जहां पर 48-48 दरवाजों के बीच उनको डाल दिया और कह दिया कि अगर तुम वास्तव में पक्के संत हो तो इन जंजीरों को तोड़ के दिखाना, 48 दरवाजों को पार करके बाहर आना। आचार्य तो कारागार में चले गए, पूरा शरीर जंजीरों से जकड़ा हुआ था, पूरा शरीर जंजीरों से जकड़ा हुआ था। और आचार्य मानतुंग कारागार में बैठ गए, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, कमर पर भी जंजीर, गर्दन पर भी जंजीर, घुटनों पर भी जंजीर, जंगा पर भी जंजीर, पूरा शरीर जंजीरों से कस दिया गया और यह कहते हुए कारागार में डाल दिया गया। अब मैं देखता हूं तुम बाहर कैसे आते हो। आचार्य मानतुंग भीतर बैठ गए, आंख बंद की, मेरे भाई प्रार्थना चाहे मीरा की हो, प्रार्थना चाहे द्रौपदी की हो, प्रार्थना चाहे चंदन बाला की हो और प्रार्थना चाहे आचार्य मानतुंग की हो, पर जिस जिसने दिल के तार जोड़कर उसको पुकारा है, जिस जिसने अंतरात्मा की आवाज़ उठाकर उसको पुकारा है, जिस जिसने भीतर की आवाज़ से लय जोड़कर उससे लय जोड़ा है, वो संकट की वेला में इंसान के किस तरह काम आया है। आचार्य मानतुंग सूरी ने तब वहाँ पर दिव्य रचना करनी शुरू की, भगवान की भक्ति में बोल गाने शुरू किए और कहा भगवान राजा की क्या ताकत है, ताकत तो ईश्वर की होती है। और तभी कारागार में बैठे बैठे भक्ताम रप प्रणत मौली मणि प्रभाणाम मुद्योतकम दलित पाप तमो विधान, भगवान आदिनाथ की भक्ति करते हुए आचार्य मानतुंग ने तब वहां पर ईश्वर की आराधना प्रारंभ की थी और परिणाम निकल कर आया। एक एक श्लोक, एक एक श्लोक, एक एक श्लोक, एक एक श्लोक, रस्ते चले गए, रस्ते चले गए, रचते चले गए, जंजीरों से जकड़ी काया, बेड़ी से झंगाएं छिलती, जंजीरों से जकड़ी काया, बेड़ी से झंगाएं छिलती, अरे वही जपे यदि नाम तुम्हारा बंधन की हर कारा कटती। अगर जंजीरों से काया जकड़ गई है और बेड़ियां शरीर में डाल दी गई है, कारागार में किसी को डाल दिया गया, लेकिन वो व्यक्ति भी प्रभु अगर तुम्हारे नाम का स्मरण कर ले, होली का कितना भी जलाने की कोशिश कर ले, पर जिसको बचाने वाला कोई और बैठा है, उस प्रहलाद को दुनिया में कौन जला सकता है। और राजा कितना भी उन्हें बंधनों में डाल दे, पर बचाने वाली जब दिव्य शक्ति बैठी है, तो वही भक्तामर स्तोत्र की रचना। दुनिया में आज तक केवल दो महान शास्त्र ऐसे हुए जिनकी रचना अद्भुत तरीके से हुई, बाकी सारे शास्त्र या तो किसी स्थानक में लिखे गए, या किसी मंदिर में लिखे गए, या किसी उपास्य में लिखे गए, या किसी समोसण में लिखे गए, पर दुनिया के दो महान शास्त्र हुए जिनकी रचना अद्भुत हुई। एक पहला शास्त्र निकला जिसका नाम था गीता, जो युद्ध की भूमि में लिखी गई, और दूसरी महान रचना हुई आचार्य मानतुंग का भक्तामर स्तोत्र। अगर मुझे कोई पूछे इस जैन धर्म को सबसे ज्यादा कौन है जिसने एक सूत्र में बांध कर रखा है, केवल दो चीजें हैं जिन चीजों ने जैन धर्म को एक सूत्र में बांध कर रखा है, नंबर एक महामंत्र नमकार और दूसरा है भक्तामर स्तोत्र, जो सकल जैन समाज में एक स्वर से हजारों हजार वर्षों से गाया जा रहा है। आचार्य मानतुंग कारागार में, आचार्य मानतुंग कारागार में, राजा को पता था निकल नहीं पाएगा, ये याचना करेगा, और उन्होंने कोई चमत्कार तक नहीं दिखाया, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, एक पर एक बोल फूटते रहे, और अचानक जंजीरें यूं शरीर से चिटक गई जैसे कच्चे सूत का धागा, जैसे कच्चे सूत का धागा शरीर से अपने आप टूट के नीचे गिर जाता है, ऐसे तो जंजीरें गिर गई और जेल के दरवाजे वैसे खुल गए जैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने पर जेल के दरवाजे उनके पिता को बाहर निकलने के लिए खुले थे। ऐसे ही आचार्य मानतुंग सूरी बाहर निकल कर आ गए। राजा ने देखकर हक्का बक्का रह गया, कहा 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 महाराज चमत्कार हुआ,
कहा, नहीं भाई कोई चमत्कार नहीं, मैंने तो केवल परमात्मा की प्रार्थना की, न तो कोई मंत्र जपा, न कोई यंत्र जपा, न कोई तंत्र किया, न कोई जादू किया, न कोई टोटका किया, ये सब जहां फैल हो जाते हैं वहां पर भी प्रार्थना पास हो जाती है। प्रार्थना बल देती है, और न केवल बल देती है, संकट की वेला में संबल भी देती है। प्रार्थना हमारे जीवन को बल देती है, न केवल बल देती है, संबल भी देती है, अंतर्मन को पवित्र बनाती है, मन में संतोष देती है, शरीर को ताजगी से भर देती है, प्रफुल्लित कर देती है, तनाव से मुक्त कर देती है, ईश्वर से संपर्क स्थापित कर लेती है। देखो हम कैसे करते हैं प्रार्थना, एक बार कैसे मिलता है हमें प्रार्थना का परिणाम, हाथ जोड़ो, प्रार्थना कैसे करते हैं अपन, प्रार्थना का सही तरीका। चार अंगुलियां सीधी आसमान की तरफ, दो अंगूठे ललाट के मध्य भाग आज्ञा चक्र की तरफ लगते हैं, और तब इंसान की प्रार्थना होती है। दोबारा देखो सब लोग, चार अंगुली हथेली से हथेली जोड़िए, अब आप देखेंगे कौन सी मुद्रा हो रही है, प्रार्थना की मुद्रा। अंगुलियां किधर है, आसमान की तरफ, अंगूठा किधर है, आज्ञा चक्र की तरफ। क्या हो रहा है, ईश्वर की दिव्य शक्ति अंगुलियों से हम में प्रवेश करती है। हो क्या रहा है, प्रार्थना में यह होता है कि जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, हमारे चार अंगुलियां आसमान की तरफ, ईश्वर की ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों की तरफ, और हमारा अंगूठा हमारे आज्ञा चक्र की ओर रहता है, और परिणाम निकल कर आता है जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उसकी शक्ति किस में आती है, किस द्वार से प्रवेश करती है, अंगुलियों से भीतर आती है, और अंगूठे से हमारे अंतर्मन में प्रवेश कर जाती है। ये होती है प्रार्थना की सही मुद्रा। क्या है देख लो एक बार, यह है प्रार्थना की सही मुद्रा, जब जब ईश्वर की प्रार्थना करें ताकि ईश्वर का ओरो हमारे अंगुलियों से भीतर प्रवेश करे, और अंगूठे के माध्यम से हमारे आज्ञा चक्र ज्ञान केंद्र में जाकर के प्रवेश कर जाए। मनुष्य की होती है ऐसी प्रार्थना। पहली बात, कहां है भगवान। मुझे एक व्यक्ति ने कहा, साहब अब आप रोज यहां पर भगवान की प्रार्थना कराते हैं पर भगवान को दिखते ही नहीं, फिर हम उनकी प्रार्थना क्यों करते। बात में दम था, तर्क था उनकी बात में कि भगवान तो हमें दिखता ही नहीं है, फिर हम भगवान की प्रार्थना क्यों करते हैं। मैंने जवाब दिया, ये तो मुझे भी पता है कि भगवान हमें दिखते नहीं है, फिर भी हम इसलिए भगवान की प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो तो हमें देख रहा है। हम में ये ताकत नहीं है कि हम उसको देख सकें, पर उसमें ये ताकत है कि वो हमें देख रहा है, इसलिए हम भगवान की प्रार्थना नहीं करते कि भगवान हमें दिखाई दे रहा है, हम इसलिए भगवान की प्रार्थना करते हैं क्योंकि भगवान हमें देख पा रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, न तो मैं वेद में मिलता हूँ, न मैं शास्त्र में मिलता हूँ, न मैं तपस्या में मिलता हूँ, न मैं ज्ञान में मिलता हूँ, मैं जब भी मिलता हूँ एकमात्र इंसान की अनन्य भक्ति में मिलता हूँ। जब कोई व्यक्ति मुझे अनन्य श्रद्धा पूर्वक, अनन्य आस्था पूर्वक, अंतर मन के भावों के साथ जब जब कोई मुझे पुकारता है, कभी मैं महावीर बनकर चंदन बाला के द्वार पर जाता हूं, कभी मैं नेमी बनकर राजुल के द्वार पर जाता हूं, कभी मैं ऋषभदेव बनकर मरुदेवी के पास पहुंच जाता हूं, कभी मैं मोहन बनकर मीरा के पास पहुंच जाता हूं, मैं रूप बदलता रहता हूं क्योंकि मुझे जब जब भी पहुंचता हूं, जब मुझे कोई व्यक्ति अंतर मन से, अंतर आत्मा से, भीतर की आवाज से जब कोई मुझे पुकारता है, मैं उस तक पहुंच जाया करता हूं। संकट की वेला का अंतिम शस्त्र है, सब बोल लो मुंह से, क्या है, संकट की वेला का अंतिम शस्त्र है हमारी प्रार्थना। पहली बात, हम तीन बातों का जिक्र करेंगे, नंबर एक भगवान क्या है, नंबर दो प्रार्थना क्या है, नंबर तीन प्रार्थना का परिणाम क्या है। ईश्वर का दिव्य तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा परिव्याप्त रहता है, जहां जहां इंसान अपने अंतर्मन को निर्मल और पवित्र करके उससे तार जोड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा जब हम आंख बंद करते हैं, दो मिनट अंतर्लीन होते हैं, अंतर्मन से परमपिता परमेश्वर से अपना तार जोड़ते हैं, और कभी कभी लगता है बिल्कुल ऐसा तार जुड़ गया है, ऐसा तार जुड़ गया है, एक अद्भुत ओरो हम पर बरसता है, एक दिव्य शक्ति हम पर बरसती है, और हम उन क्षणों में जब जब जिसके लिए जो प्रार्थना कर देते हैं, भगवान उसका तू वो कर, भगवान तू उसका वो कर, जितने हम किसी से नाराज होकर और मन के तार जोड़कर किसी के लिए बददुआ करते हैं ना, अगर उतने ही मन के तार जोड़कर हम किसी के लिए दुआ कर दें तो दुआ भी हमारे लिए उतनी ही कामयाब हो जाया करती है।
जितनी अंतर मन से हम वो काम करते हैं, जितने हम दुनियादारी, सच्चाई तो ये है अगर हम जीवन की आवश्यकताओं में देखें ना तो भगवान सबसे अंत में खड़ा है। जीवन की आवश्यकताओं की क्यों में भगवान सबसे अंत में खड़ा है। कभी तुलसीदास को उनकी पत्नी ने ललकारते हुए कहा था कि जब तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में पागल होकर, उसके शरीर में पागल होकर, उससे प्रेम में पागल होकर और अंधेरी रात में घर से निकल गए अपने ससुराल के लिए, किनारे पहुंचे नदी के, और नदी के किनारे पहुंचकर देखा कि वहां पर एक 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 लकड़ी का बड़ा गट्ठर है। तुलसीदास उसको पकड़े, उस पार पहुंचे, देखा पत्नी ने कोई डोरी लटकाई हुई है, डोरी से पत्नी के महल तक, उसके कमरे तक पहुंचे। पत्नी ने पूछा, रात को 2 बजे कैसे आए? कहा तूने ही तो कोई लकड़ी का गट्ठर भेजा। पत्नी ने नीचे झांक के देखा, वो लकड़ी का गट्ठर नहीं, वो कोई मुर्दा था, और उस मुर्दे को पकड़कर तुलसीदास आ गए थे, और वो जो डोरी लटक रही थी कोई डोरी नहीं, कोई अजगर था जिसने काटा तो नहीं, पर उसको पकड़कर ऊपर आ गए। और तब तुलसीदास की पत्नी ने तुलसीदास को ललकारते हुए कहा था कि तुलसी, जितना प्रेम तुम्हें मेरी चाम से है, जितना प्रेम तुम्हें काम से है, क्या क्या कहा, जितना प्रेम तुम्हें मेरे चाम से है और जितना प्रेम तुम्हें काम से है, अगर उतना प्रेम तुम्हें राम से हो जाता तो तुम्हें भगवान मिल जाते। तुम पत्नी की याद में इतने बेसुध हो गए कि तूने सारी लाज छोड़ दी और निकल कर आ गए। अरे जितना तुम चाम को चाहते हो उतना राम को चाह लेते तो भगवान तुम्हें यूं ही मिल जाते। परमात्मा, प्रार्थना करना भगवान से कि हे भगवान, इतना सुख भी मत देना कि हम तुम्हें भूल जाएं। क्या प्रार्थना? भगवान इतना सुख भी मत देना कि हम तुम्हें भूल जाएं, पर इतना दुख भी मत देना कि हम दुनिया में ही रुड़ जाएं। सर्वत्र व्याप्त है वो, हर जगह व्याप्त है वो, हर स्थान पर व्याप्त है वो, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है वो। जहां जहां आप उसका एहसास करोगे वहां वहां व्याप्त है वो। अगर आपके भीतर श्रद्धा है तो पत्थर में भी भगवान है, और अंतर मन में श्रद्धा नहीं है तो आपके लिए भगवान भी पत्थर बन जाएंगे। केवल अंतर मन की श्रद्धा श्रद्धा है, अगर भीतर में परमात्मा के लिए दिव्य श्रद्धा है तो लकड़ी में भी भगवान है, और अगर दिव्य श्रद्धा नहीं है तो भगवान भी आपके सामने कोई काष्ठ फलक कोई लकड़ी बनकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। फैसला आपको करना होता है आपके भीतर उसके लिए कितनी श्रद्धा है। हम लोग भगवान की चर्चा बहुत करते हैं और जितना समय इस बहस में लगा देते हैं भगवान है कि नहीं, अगर उससे आधा समय भगवान को याद करने में लगा दें तो प्रार्थना परिणाम देती है। प्रार्थना परिणाम देती है, पर प्रार्थना वो हो जो इंसान के अंतर्हृदय से उठकर आती है। प्रार्थना वो हो जो इंसान के अंतर्हृदय से उठकर आती है। प्रयोग करो रोज सुबह सुबह उठकर, घर में बैठे हैं अगर आप, रोज सुबह सुबह उठकर अगर आप घर में बैठे हैं, काम करो घर में, प्रयोग करके देखो सामूहिक प्रार्थना, प्रयोग करके आप देखो। केवल 31 दिन 30 दिन के लिए घर के जितने सदस्य, बहू बेटे पोते पोतियां, आप आपकी पत्नी, सब लोग नहा धोकर सामूहिक रूप से जो घर में भगवान का आला बनाया हुआ है और वहां पर खड़े होकर नतमस्तक होकर पूरे परिवार के साथ तब भगवान की सामूहिक प्रार्थना कीजिए। एहसास करेंगे वो प्रार्थना महीने भर तक कर देखिए, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, परिवार में समृद्धि बढ़ेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, आपस में जो दूरियां हैं वो दूरियां कम होगी, क्योंकि प्रार्थना के बोल हमेशा हमें मेल मिलाप की बात सिखाते हैं, प्रार्थना के बोल हमेशा एक दूसरे के सुख दुख के साथ रहने की सीख देते हैं, प्रार्थना के बोल हमेशा परमेश्वर से हमारे तार जोड़ते हैं। प्रार्थना के बोल उठाकर देखो। आपकी फैक्ट्री है अगर, प्रयोग करके देखिए, आपके ऑफिस है अगर, प्रयोग करके देखिए, और प्रयोग ये करके देखिए आपके ऑफिस और फैक्ट्री में, प्रयोग ये कीजिए। फैक्ट्री चालू हो, आपको लगता है स्टाफ 9 घंटा के लिए आए हैं, अब अगर ये 5 मिनट प्रार्थना में लगा देंगे, वैसे भी ये काम चोर है, काम कम करते हैं, और 5 मिनट वेस्टेज जाएगा। मेरे कहने पर आप ये प्रयोग करके देखिएगा, केवल 5 मिनट, सारा स्टाफ, अगर आपके फैक्ट्री में 350 लोग हैं कुछ मत कीजिए, सब लोगों को एक साथ पहला समय 8:15 बजे सब लोग इकट्ठे हो जाएं, 9:15 बजे सब लोग इकट्ठे हो जाएं, 5 मिनट प्रार्थना कराइए, 7 मिनट प्रार्थना कराइए,
और वो प्रार्थना 5 मिनट की 7 मिनट की 1 महीने तक प्रार्थना करा के देखिए आप अपनी फैक्ट्री में, अगर आपका उत्पादन 25% न बढ़ जाए तो आप मुझसे कहना, क्योंकि प्रार्थना करने के बाद जब आदमी काम में लगेगा तो बड़े मनोयोग पूर्वक अपने कार्यों को संपादित करेगा, क्योंकि उसने पहले अपना अंतरतार ईश्वर से जोड़ लिया है, उसने अपने अंतर मन का पहला तार ईश्वर से जोड़ लिया है। तो आप पाएंगे वो व्यक्ति बड़ी तबीयत से, मन से, आत्मा से अपने काम करेगा। प्रार्थना करो तो सोचो सब कुछ भगवान पर निर्भर है। क्या करो? प्रार्थना करो तो सोचो सब कुछ भगवान पे निर्भर है, और काम करो तो सोचो सब कुछ मुझ पे निर्भर है। प्रार्थना करो तब ये मत सोचो मैं सब कुछ करूंगा, तब भगवान पर निर्भर रखो, और जब कर्म योग करो तो ये सोचो सब कुछ मैं करूंगा, भगवान मेरा साथ देगा। आओ हम कुछ आनंद लेते हैं प्रभु की प्रार्थना का। भगवान श्री राम, चलो एक एक घटना का आनंद दे रहा हूं, और अब 20 मिनट तक कुछ ऐसी घटनाओं का अपन आनंद लेंगे जो घटनाएं हमारे अंतर मन में प्रार्थना के बोल को और ज्यादा उठाएगी। राम, सीता, लक्ष्मण वनवास में पहुंचे, नदी के किनारे, नदी पार करनी थी, और नदी पार करने के लिए जैसे ही पहुंचे वहां पर एक मल्लाह खड़ा था जिसका नाम था केवट। क्या नाम था? केवट खड़ा था, और राम ने कहा भैया मैं उस पार जाना है। मल्लाह ने राम को देखा और देखा और देखा, पहचान गया ये कोई मामूली आदमी नहीं, ये अयोध्या के राजकुमार राम है, ये उनका भाई लक्ष्मण, ये सीता है। पहचानने में देर नहीं लगी, उसने कहा प्रभु मैं आपको उस पार तो पहुंचा सकता हूं, पर पहले मैं आपके पांव को धोऊंगा, उसके बाद अपनी नौका पर चढ़ाऊंगा। लक्ष्मण को गुस्सा आया, तो समझता कि हम कोई शूद्र पुत्र हैं, तो हमें समझता कि हमारे पांव धुलाने के बाद हमें नौका में चढ़ाएगा। उसने कहा लक्ष्मण जी चुप रहिए, हक्का हुक्का नहीं, नौका में चढ़ना है तो मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, और नहीं तो आप अपने रास्ते जाओ, मैं आराम से बैठा हूं। अब मजबूरी का नाम मुझे नहीं पता। केवट गया, झट से अंदर गया अपनी कुटिया में, और एक कठौती लेकर आ गया, कहा भगवान मैं आपके पांव इसमें धोऊंगा। राम जी ने उसमें पांव रखे। लक्ष्मण ने कहा भैया एक बात बता, क्यों तू धुला रहा है, क्यों कर रहा है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे तू हमें कोई हीन आदमी समझ रहा है। केवट ने कहा लक्ष्मण जी ज्यादा माथा फोड़ी नहीं, ये तुम्हारा भाई राम है ना, बड़ी गजब का आदमी है। अरे 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 है, तुम्हें बताऊं मैं, ये पत्थर को छूता है तो उसे अहिल्या बना देता है, कल मेरी नौका पर पांव रखेगा बिना धोए, और वो लुगाई बन गई तो घरवाली को क्या जवाब दूंगा, ऐसा नहीं होगा, मेरी नौका में चढ़ना है तो पांव धो के चढ़ना पड़ेगा। अब ठीक है यार धो, राम ने कहा ये भोला आदमी है, जो कहे सो करने दो। पांव धुलाए, नौका में चढ़े, आधा रास्ता पार किया गंगा जी का, अब वो तो घुमाए जाए उसमें नौका, घुमाए जाए उसमें नौका, घुमाए जाए, 3 घंटे हो गए गंगा नदी में गोते खाते खाते। लक्ष्मण को आया गुस्सा, कहा हमें बेवकूफ समझता है क्या, क्या समझता हम पैसे नहीं देंगे, अरे हम तुम्हें पैसे देंगे, उस पार पहुंचा, कितने चक्कर तूने खिला दिए। उसने कहा चुप, नौका मेरी है, चला मैं रहा हूं, मेरी इच्छा है मैं कैसे चलाऊं। अरे भगवान आपको तो 2 मिनट में बुरा लग गया, मैंने आपको 4 चक्कर खिलाए और आपको ताव आ गया, आपने हमें 84 के चक्र में डाल रखा है, मैंने आपको कोई उपालम दिया क्या, आपने हमें 84 के चक्कर में डाल रखा है, मैंने एक बार भी कहा 4 चक्कर खिलाए तो भगवान जी आपको भी चक्कर आ गए। भोला भगत केवट, नौका और चली आगे। राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया तू चुप रहे, ये वापस उधर पहुंचा दिया ना तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ये भोला आदमी है, जैसा कहो वैसे मानते रहो। उस पार पहुंचे, राम जी ने सीता जी को इशारा किया, किसी की सेवा फ्री में नहीं लेनी चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है, पर अभी भी तुम्हारे देखो अंगुली में एक अंगूठी है, एक काम करो इस सेवा के बदले इस भोले आदमी को ये अंगूठी उपहार में दे दो। सीता ने अंगूठी निकाली, राम जी को दी, राम जी ने वो अंगूठी केवट को देनी चाहिए। केवट ने कहा भगवान कैसी बात करते हो, आप और हम तो दोनों जाति भाई हैं। क्या कहा? आप और हम तो दोनों जाति भाई हैं, जाति भाई आपस में लेन देन थोड़ी करते हैं। लक्ष्मण को फिर आया गुस्सा, हम ठहरे क्षत्रिय वंश के राजकुमार, रघुवंश के राजकुमार, और तेरी औकात क्या है, मल्लाह ओछी जात का आदमी, और तू हमें कहता है कि आप ठहरे ओछी जात के आदमी, आप ठहरे हमारी एक जात के आदमी, हम तुम्हारी जात के कहां से। कहा एक बात कहो प्रभु जी, आपका काम क्या है और मेरा काम क्या है, क्या बताओ।
कि मेरा काम है जो नदी के किनारे आता है मैं पार लगाता हूं, और आपका काम है जो आपके चरणों में आता है आपको उसको विभव सागर से पार लगा देते हो। प्रभु जी अगर आप कर सकते हो ना, ये अंगूठी तो रखो, कभी बुरे वक्त में आपके काम आएगी। क्या कहा? अंगूठी उसने वापस सीता जी को दी और देकर कहा, प्रभु जी अंगूठी तो आप रखो, ये कभी बुरे वक्त में आपके काम आएगा। और वही अंगूठी काम आई लंका में, जब हनुमान पहुंचे थे सीता के पास और कहा, मुझे कोई ना कोई स्मृति दो कि मैं राम को बताऊं मैं मिल के आया हूं। और केवट ने तब देख ली थी कि अंगूठी प्रभु आपके कभी काम आएगी। अंगूठी तो उसने वापस लौटा दी, अंगूठी तो उसने वापस लौटा दी। पर कहा, भगवान अगर आप देना ही चाहते हैं ना, केवल इतना सा वादा देकर जाइए, केवल इतना सा वादा करके जाइए, आज आप मेरे द्वार पर आए मैंने आपको पार लगाया, आज आप मेरे यहां आए मैंने आपको पार लगाया, एक दिन ये जीव मरकर आपके चरणों में आएगा, आप तो इतना काम कर दा उस समय मुझे पार लगा देना, बस इतना बहुत है और कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं मिलती है परमात्मा की प्रार्थना का परिणाम हमें? क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना। आपको पता है विद्यार्थी को भगवान कब याद आता है? बुद्धि लगाओ, विद्यार्थी को भगवान कब याद आता है? परीक्षा की वेला में विद्यार्थी को भगवान याद आता है, उससे भी ज्यादा? बोलो 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 बोलो। एक दिन विद्यार्थी को भगवान बहुत ज्यादा याद आता है, जिस दिन परीक्षा का रिजल्ट आने वाला होता है। नौकर को भगवान तब याद आता है जब नौकरी छूट जाती है, और संपन्न आदमी को भगवान तब याद आता है जब कोई जब कोई जब कोई जब कोई जब कोई बोलो 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 जब कोई रेड पड़ जाती है घर पर, और वो कहता है भगवान वहां वहां रखा हुआ, वो खाते वो कागज बाहर ना आ जाए, हे भगवान हे भगवान। जितनी भावना से वो कागज के लिए भगवान को प्रार्थना कर रहा है, उतनी भावना से वो कल प्रार्थना कर लेता तो आज ये रेड घर में पड़ती ही नहीं। अगर कल ये भगवान को इतने मन से याद कर लेता तो आज ये दिन आते नहीं। अमीर आदमी को तब याद आता है जब या तो रेड पड़ जाए और या फिर बीमार पड़ जाए, हे भगवान कोई करिए, हे भगवान पैसा नहीं बचा पा रहे, धन नहीं बचा पा रहे, भगवान भगवान भगवान। आदमी को तब भगवान याद आते हैं, भूखे आदमी को भूख लगने पर भगवान याद आते हैं, चोर को पकड़े जाने पर भगवान याद आते हैं, पापी आदमी को मौत के समय, हे भगवान मैंने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, कोई ना कोई करना, कुछ न कुछ करना, कुछ न कुछ करना। और नेता को भगवान कब याद आता है? नेता को भगवान तब याद आते हैं जब वोट आ रहे हों, और उससे भी ज्यादा बोलो जब जो वोट के परिणाम आ रहे होते ना, आपको पता है देश भर से फोन पे फोन हमारे यहाँ चलते हैं, बाबजी को बोलना मेरे लिए आशीर्वाद है, बाबजी को बोलना, किसी विधायक का किसी सांसद के फोन पे फोन चलते रहते हैं, अरे बाबजी को बोलना मुझे आशीर्वाद देना। एक नेता को तब भगवान बहुत याद आते हैं, तब भगवान बहुत याद आते हैं, कब बोलो बोलो, जब चुनाव का परिणाम आने वाला होता है, बस वो एक ही दिन याद करता है जब परिणाम आने वाला होता है, 5 साल के लिए वापस जनता को और भगवान को दोनों को ही भूल के निकल जाया करता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, अरे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आओ सुख की वेला में परमात्मा से अपने मन के तार जोड़ते हैं। दो चार छोटी छोटी घटनाएं कहकर और फिर 2 मिनट की प्रार्थना का तार आपसे जुड़वाता हूं। और घटना इतनी सी है कि जब एक बच्चा भगवान के मंदिर में रोज जाता था, बच्चा भी इतना छोटा जैसे ये भाई साहब के पास बच्चा बैठा है ना, 4 साल का बच्चा रोज मंदिर में जाता और मंदिर में जाकर रोज आंख बंद करता, घर से जब स्कूल जा रहा होता मंदिर में जाता, पलके झुकाता, बस्ता कमर पर लटकता रहता, गुड़ 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 ओम 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 कुछ भी होर से होठ हिलाता, प्रार्थना करता, निकल जाता, रोज करता। लोग सोचते आखिर ये बच्चा करता क्या यार। एक दिन मंदिर के लोगों ने उस बच्चे को रोका और रोक कर कहा, रुक भाई तू रोज आता है, छोटा सा बच्चा है, बड़ा अच्छा लगता है, तू आंख बंद करता है, होठ हिलाता है, आज तक हमने तेरी आवाज नहीं सुनी, तू कौन सी प्रार्थना करता है हमें सुना। उसने कहा आपको सुनाऊं कि हाँ कि मैं तो मंदिर में आता हूं और भगवान के सामने आके बोलता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वाई डब्ल्यू जेड जेड तक बोलता हूं और निकल जाता हूं। लोगों ने कहा पागल,
है, ये कोई स्कूल है, यहां पर आकर एबीसीडी बोलता है। हाँ, मैं रोज मंदिर में आता हूं, एबीसीडी बोलता हूं, भगवान से कहता हूं, भगवान जी दुनिया में जितनी भी प्रार्थनाएं बनी हैं इसी एबीसीडी ईएफजी से बनी है, रोज नई नई प्रार्थना बनाओ और अपने आप सुन लिया करो। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान किसके भूखे हैं? ये आपके बिल्कुल पास में यहां पर 135 किलोमीटर पर एक विशाल मूर्ति है बाहुबली भगवान की, श्रवण बेलगोला के बाहुबली भगवान की। यही कर्नाटक के महामंत्री चामुंडराय, आज से करीबन 1015 साल पहले की घटना बता रहा हूं, महामंत्री जिसका नाम था चामुंडराय, और चामुंडराय ने निर्णय किया था क्योंकि उसकी मां ने एक सपना देखा था, मैंने एक ऐसी मूर्ति बनाई है जैसी मूर्ति दुनिया में नहीं है। मां ने अपने बेटे से कहा, उस समय देश का सबसे समृद्ध राज्य कर्नाटक था, पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य कर्नाटक था, और उस कर्नाटक का महामंत्री था चामुंडराय। मां ने बेटे से कहा कि बेटा, मैं चाहती हूं तू ऐसी प्रतिमा बना कि दुनिया में न भूतो न भविष्यति। और तब चामुंडराय ने लगातार 12 वर्ष तक जिस पहाड़ी पर वो मूर्ति खड़ी है उसी पहाड़ी को खुदाई करा करा के हजारों हजार कारीगर लगे, और 12 साल तक श्रम होते होते दुनिया की सबसे महान प्रतिमा बाहुबली की मूर्ति बनी थी। सबने दर्शन किए हुए? हाथ खड़ा करो, किस किसने दर्शन किए हुए? 100%, बहुत सुंदर। आप लोग किस्मत वाले हैं कि आपके कर्नाटक में इतनी विशाल मूर्ति है। मूर्ति मूर्ति होती है, वो भगवान की होती है, ना वो दिगंबर की होती है, ना वो श्वेतांबर की होती है, क्योंकि मूर्ति तो केवल भगवान की होती है। और वो भगवान की मूर्ति, वो बाहुबली भगवान की दिव्य विशाल प्रतिमा, कहते हैं प्रतिष्ठा का दिन आया, चामुंडराय देश का सबसे अमीर राज्य का महामंत्री, राजा ने कहा, चामुंडराय तुमने ऐसी मूर्ति बनाई है तो इसकी प्रतिष्ठा भी ऐसी कराएंगे कि दुनिया के इतिहास में न भूतो न भविष्यति। और राजा ने निर्णय लिया 1008 सोने के कलशों से, किससे 1008 सोने के कलशों से भगवान का अभिषेक होगा, और भगवान का अभिषेक कोई आम आदमी नहीं करेगा, देश भर के दुनिया भर के जितने राजा है राजाओं को बुलाया गया, जितने महामंत्री हैं महामंत्रियों को बुलाया गया, जितना सेनापति है सेनापतियों को बुलाया गया, और जैन धर्म का इतिहास साक्षी है 108 आचार्य इतिहास में पहली बार किसी प्रतिमा की प्रतिष्ठा के लिए 108 आचार्य वहां पर इकट्ठे हुए। अभिषेक पे अभिषेक हो रहा था बाहुबली का, प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था, सोने के कल से ऊपर जा रहे थे, अब ये राजा जा रहे हैं, और चामुंडराय बैठा बैठा सोच रहा था, मैंने बनाई ये मूर्ति, बाहुबली जैसा कोई महान नहीं और उस मूर्ति जैसी कोई मूर्ति नहीं, मैंने बनाई ये मूर्ति, अरे धरती के इतिहास में ऐसा प्रतिष्ठा महोत्सव न होगा। कहते हैं 1008 बार, वो जो 108 कल से थे 10 बार उनका टर्न किया गया, और 1008 बार कल से भगवान की मूर्ति पर ढारे गए, पूरी मूर्ति दूध से नहा गई, पर भगवान के चरण अभी भी सूखे के सूखे थे। सांझ पड़ने लग गई, आचार्यों ने चामुंडराय को बुलाया और बुलाकर कहा कि चामुंडराय तुम्हारी ये प्रतिष्ठा अधूरी है क्योंकि भगवान के चरण अभी भी क्या है सूखे के सूखे हैं, भगवान के चरण अभी भी सूखे के सूखे हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा अधूरी, भगवान ने प्रतिष्ठा स्वीकार न की। चामुंडराय ने कहा, प्रभु क्या बात कर रहे हैं, धरती की सबसे बड़ी प्रतिमा, मेरा नाम कलंकित हो जाएगा कि मैं मूर्ति की प्रतिष्ठा न करा पाया। सबको मौका दिया गया और जो राजा आए उनको भेजा गया। आचार्य ने कहा, चामुंडराय बहुत हो गया, सत्ता का प्रदर्शन बहुत हो गया, पैसे का प्रदर्शन बहुत हो गया, ये जो प्रतिष्ठाओं के नाम पर बेवजह पैसे खर्च किए जाते हैं, पर याद रखना भगवान कभी भी धन के भूखे नहीं होते, भगवान कभी भी भोग के भूखे नहीं होते, भगवान कभी भी संपन्नता के भूखे नहीं होते। वो नहीं कहते कि तुम मेरी प्रतिष्ठा में 21 मिठाइयों का जीमण करो, वो ये भी नहीं कहते कि 21 हाथी मंगा कर मेरी कलश यात्रा निकालो। भगवान तो ऐसे आदमी से प्रतिष्ठा चाह रहे हैं, अब ये प्रतिष्ठा तेरी अधूरी रहेगी चामुंडराय, ये मूर्त जा रहा है, अब तो कोई ऐसे आदमी को वो चाह रहे हैं जो कोई श्रद्धा से भरा हुआ आए। और तभी कहते एक बुढ़िया, इतिहास की कहानी को याद कीजिए, एक कन्नड़ बुढ़िया
कन्नड़ की कर्नाटक की एक बुढ़िया कमर झुकी हुई, चेहरे पर झुरियां पड़ी हुई, दांत निकले हुए, हाथ में पत्तों का दोना लिए हुए, लकड़ी से यूं 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 खट 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 करती आई और आकर कहने लगी, मुझे 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 भी जाना है ऊपर, मुझे भी जाना है ऊपर। द्वारपालों ने से निकल गया, हट, यहां पर बड़े बड़े राजा चले गए, उनसे काम न हुआ, तू क्या करेगी। आचार्यों की नजर पड़ी, आचार्यों ने चामुंडा राय से कहा, शायद भगवान ने भेजा है किसी को, जाओ 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 उस बुढ़िया को लेकर जाओ। और वो पत्ते के दोने में बुढ़िया ने कहा, मैं 12 मील दूर से आई हूं। क्या कहा बुढ़िया ने? कहा मैं 12 मील दूर से पैदल चलकर आई हूं, सुबह निकली थी, शाम तक पहुंच पाई हूं, अब तो ये दूध भी आधा बचा है, मुझे बस भगवान का अभिषेक कर दे दो। चामुंडा राय आचार्य सब साथ में जाते, उस बुढ़िया को साथ में लेकर, और वो अनन्य श्रद्धा अनन्य भक्ति अनन्य भावना से भरी हुई पत्तों के दौने में जो दूध लेकर आई थी, कहा किसमें लेकर आई थी, पत्तों के दौने में जो दूध लेकर आई थी, और वो ऊपर पहुंची मंच पर, और ऊपर से उसने बहुत श्रद्धा पूर्वक बाहुबली भगवान को प्रणाम समर्पित किए, वो पत्तों के दोने का दूध भगवान के सिर पर ढारा। दो काम हो गए, एक और तो पत्तों के उस दोने में से ऐसी दूध की धारा बही, ऐसी दूध की धारा बही कि भगवान के चरण लबालब दूध से डूब गए। आचार्यों ने कहा, शंखनाद कर दो, तुम्हारी प्रतिष्ठा पूरी हो गई। शंखनाद किया गया, प्रतिष्ठा पूरी हो गई। उस बुढ़िया ने वहीं भगवान के घुटने टिका के प्रणाम किए, धोक लगाई, और धोक लगाते इतिहास बताता है वो लुढ़क गई, उसके प्राण निकल गए, वो वहीं गिर गई। कोई अगर आप गए हैं वहां पर तो आपको शायद पता हो, बाहुबली की विशाल मूर्ति है, उनके बिल्कुल सामने दरवाजे से बाहर निकलते ही, आज से 31 साल पहले जब हम गए थे बाहुबली में, तब मैंने दर्शन किए थे। और जैसे आप दरवाजे के बाहर आएंगे, एक छोटा सा कमरा है, और एक छोटे से कमरे में बुढ़िया की मूर्ति बनी हुई है, और वो बुढ़िया और कोई नहीं, इसी कर्नाटक की महान श्रद्धा से भरी हुई वो बुढ़िया थी, जिसका नाम था गुल्लिका अज्जी। क्या नाम था? गुल्लिका अज्जी। जहां पर 1008 सोने के कल से निष्फल हो गए, वहां पर पत्तों का दोना, वहां पर पत्तों का दोना, वहां पर पत्तों का दोना। सबरी हो या केवट हो, चंदन बाला हो या मान तुंग हो, राजुल हो कि गोरा हो, कि रैदास हो, कि तुलसीदास हो, कि आनंद घन हो, कि सूरदास हो, इनमें से कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने कभी 1 लाख का भी चढ़ावा लिया। जितने मैंने नाम लिए हैं, इनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने 1 लाख का भी चढ़ावा लिया हो, क्योंकि सबको पता था भगवान चढ़ावे से नहीं मिलते, भगवान तो भाव श्रेणी जब आदमी की चढ़ती है तब आदमी को भगवान मिलते हैं। केवल चढ़ावों से आदमी को भगवान नहीं मिलते, जब व्यक्ति की भाव श्रेणी चढ़ती है तब आदमी को भगवान मिला करते हैं। जब व्यक्ति अपनी ही भाव श्रेणी में चढ़ता जाता है उत्तरोत्तर गति करता रहता है तब आदमी को भगवान मिलते हैं। निकले थे कभी संत एकनाथ कावड़ में गंगा जल लेकर, और निकल पड़े थे रामेश्वरम तीर्थ के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा घटना को। रामेश्वरम तीर्थ के लिए निकल पड़े कावड़ में गंगा जल लेकर, चलते 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 बीच रेगिस्तान को पार कर रहे थे, और रेगिस्तान को पार कर रहे थे उनके साथ कई शिष्य थे, सब ने कंधों पर कावड़ में गंगा जल लिया हुआ था। कहां? रामेश्वरम में अभिषेक करने के लिए कावड़ में गंगा जल लेकर वो चल रहे थे। रास्ते में बूढ़े एकनाथ पीछे थे, बाकी सारे संत आगे थे, और संतों ने अचानक देखा कि बीच रास्ते पर एक गधा जमीन पे पड़ा है और प्यास के मारे तड़फ रहा है, यूं 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 पांव कर रहा है, इतनी भयंकर गर्मी, आसपास में एक पानी की बूंद नहीं। सब ने एक दूसरे को कहा, जाओ रे जाओ, कहीं से पानी लेके आओ, कहीं से पानी लेके आओ। सब लोग अपना कावड़ नीचे रखकर चारों तरफ पानी की तलाश में गए, पर पानी न मिला। चलते चलते एकनाथ भी वहां पर पहुंच गए, और एकनाथ ने भक्तों से अपने शिष्यों से पूछा, क्या हुआ, सब रुक क्यों गए? कहा, भगवान गजब है, ये गधा प्यास से तड़फ रहा है, तो कहा पानी पिलाओ। अरे भगवान, हम चारों तरफ जाके आ गए, कोई पानी नहीं मिला। एकनाथ ने कहा, तुम्हारे खुद के कंधे पर पानी है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये तो गंगा जल है, ये हम रामेश्वरम में भगवान का अभिषेक करने लेकर आए हैं। एकनाथ ने अपना कावड़ उतारा, लोटा खोला, लोगों ने कहा, प्रभु 1000 किलोमीटर की यात्रा बेकार चली जाएगी, ये पानी आप रामेश्वरम के लिए लाए हैं गंगा जल।
संत एकनाथ ने ये कहते हुए वो कलशा खोलकर, वो पानी का घड़ा खोलकर गधे को पूरा पानी पिला दिया कि रामेश्वरम का भगवान इस गधे से ज्यादा प्यासा तो नहीं होगा, और गधे के मुंह में पूरा पानी उतार दिया। लोग देखकर दंग रह गए। जैसे गधे ने पानी पिया, संत एकनाथ ने प्रणाम किया, मेरा अभिषेक तो यही हो गया, और देखते देखते गधा गायब हो गया और महादेव वहां पर प्रकट हो गए। पशु हट गया, पशुपतिनाथ प्रकट हो गए, और पशुपतिनाथ ने सबको कहा, याद रखना, ना में मंदिर, ना में मस्जिद, ना काबा के लाश में, मैं तो तेरे पास में। अरे मौको कहां ढूंढे मंदिर, मैं सांसों की सांस में। जो व्यक्ति गधे में भी भगवान को देख सकता है, वही व्यक्ति मुझे पा सकता है। पिता जा रहे थे गांव से बाहर, और जाते जाते अपनी बेटी को कह के गए, बेटा मैं तो बाहर जा रहा हूं, पर याद रखना भगवान जी की सेवा पूजा में कोई कमी न रहे। क्या कहा? भगवान जी की सेवा पूजा में कोई कमी न रहे। भगवान को बराबर भोग लगाना, बराबर धोक लगाना, बराबर मिठाई विठाई चढ़ाना, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं। पिता बाहर चले गए। बच्ची 8 साल की बच्ची थी, जाट की बेटी थी। चलो मारवाड़ चलते हैं और मारवाड़ के इस अमर गीत का अपन आनंद लेते हैं। और वो जाट की बेटी, सोचा भगवान जी रोज लड्डू खाते हैं, राजभोग खाते हैं और रसमलाई खाते हैं, बोर हो गए होंगे, एक काम करती हूँ, आज भगवान जी के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाती हूँ। क्या करती हूँ, क्या करती हूँ, लो लो सब लोग बनाओ, आज घर में बाजरे का खिचड़ा बनाती हूँ और भगवान को ले जाके खिलाती हूँ। थाल भरी, बाजरे का खिचड़ा बनाया, ऊपर घी की बाटकी रखी और लेकर गई भगवान के मंदिर में। ले जाकर पट्टे पे रख दिया, लो भगवान खा लो, भगवान खा लो, भगवान खा लो। अब भगवान कोई खाते थोड़े ही है, पर वो बार बार कहे भगवान खा लो। 15 मिनट बीत गए, भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया तो छोरी को लगा, जाट की बेटी को, ओ मेरे बाप ने भगवान की आदत बिगाड़ रखी है, रोज लड्डू पेड़े खाते हैं तो इनकी आदत पड़ गई, लड्डू पेड़े खाएंगे खिचड़ा खाएंगे नहीं, जा बैठा रहे भूखा, खाना है तो आज खिचड़ा ही खाना पड़ेगा, मैं बनाऊंगी नहीं, लाऊंगी नहीं मिठाई, आदत बिगाड़ दी मेरे बाप ने तेरी, खाना है तो ये खिचड़ा ही खाना पड़ेगा, ये खिचड़ा ही खाना पड़ेगा, ये खिचड़ा ही खाना पड़ेगा। दादागिरी पे उतर आई, किस पे, किस पे, किस पे, दादागिरी पे उतर आई, भगवान खाना ही पड़ेगा खिचड़ा। भगवान ने नहीं खाया। ओ बात क्या है, ये भगवान जी खिचड़ा क्यों नहीं खा रहे हैं? खा लो भगवान, भूखे मरोगे, खा लो भगवान खिचड़ा, खा लो, भूखा रहना, मैं लाने वाली हूं नहीं लड्डू, कितने भी दिन भर इंजरी करते रहना, दरवाजा बंद करके जा रही हूं, खाओ तो खाओ नहीं तो हवा खाओ। जैसे ही उठी कि याद आया, बापू जब भगवान को भोग लगाते हैं तो पर्दा लगाते हैं। ओ गड़बड़ तो इधर ही होगी ना, पर्दा तो मैंने लगाया ही नहीं, और जब पर्दा लगाया ही नहीं तो भगवान जी खाएंगे कहां से, पर्दा तो मैंने लगाया ही नहीं, और जब पर्दा लगाया नहीं तो भगवान जी खाएं कहां से। ओ हो, अब पर्दा लगाऊं कहां, पर्दा इतना ऊपर हाथ जाए नहीं, छोरी छोटी सी थी, 8 साल की जाट की बेटी। एक काम करती हूं, मेरा घाघरा बहुत चौड़ा है, भगवान जी मैं घाघरे को चौड़ा करके उधर मुंह कर रही हूं, आपको पर्दा लग गया, आप पीछे से खा लेना। वो तो यूं घाघरा चौड़ा करके खड़ी हो गई, वो तो यूं घाघरा चौड़ा करके खड़ी हो गई, दरवाजे की तरफ मुंह और भगवान की तरफ पीठ करके। जाट थी, गांव की जाटनी, और घाघरे बड़े बड़े होते थे टेंट की तरह, और उसने घाघरा यूं चौड़ा कर दिया और भगवान जी को पीठ लग गई, कहा भगवान जी खा लो खा लो खा लो, फिर ये मौका नहीं मिलने वाला, मैं जा रही हूं, खाना है तो खा लो। और इतने में आया वो जाट, कहा छोरी तू कर क्या रही है, कहा भगवान जी को खिचड़ा खिला, खिचड़ा खिला रही है, भगवान को खिचड़ा खिलाया जाता है, अरे मिठाई खिला, लड्डू खिला, पेड़े खिला, भगवान को काहे का खिचड़ा, और ये तू पर्दा लगा के, ये तू घाघरा चौड़ा करके भगवान को पीट देके। भगवान पर्दे के बिना खाते नहीं है ना, तूने आदत बिगाड़ रखी है ना, मैंने इसलिए घाघरे का पर्दा लगाया है। अंदर गया, जाट भी गया, बेटी भी मुड़ी, देखा थाली में खिचड़ा गायब। जाट ने कहा तू लाई का, अरे मैं भर के लाई थी थाली में खिचड़ा, घी भी गायब और खिचड़ा भी गायब। और अंदर गया तो देखा भगवान के सारे कपड़े मूर्ति के खिचड़े से सड़े हुए थे, घुटने तक घी की धार निकली हुई थी, होठों पर खिचड़ा, ठुड्डी पर खिचड़ा। उसने कहा मतलब भगवान ने खिचड़ा खाया, और तब जाट के मुंह से, उस पुजारी के मुंह से निकल पड़ा, आज पता लगा भगवान भोग के भूखे नहीं होते, भगवान केवल 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 भावना के भूखे होते हैं। और तब ये गीत बन पड़ा, मारवाड़ का सबसे अमर गीत। अपन उस गीत का आनंद लेने के बाद घर जाएंगे, और मारवाड़ का सबसे अमर गीत बन पड़ा। अरे थाली भर कर लाई रे खिचड़ो,
और ऊपर घिरी बाट की। अरे जीमो मारा श्याम धनी जीमावे। सब लोग बना लो अपनी थाली, सजा लो, खिचड़ी की थाली बना लो, आज भगवान को भोग लगाना है। भगवान तो कभी चंदन बाला के उड़द के बाकुले खाते हैं और कभी और कभी कभी जाट की बेटी के खिचड़ा को खा लिया करते हैं। अरे थाली भर कर लाई रे खिचड़ो और ऊपर घिरी बाट की। जीमो मारा श्याम धनी जीमावे बेटी जाटरी, जीमावे बेटी जाटरी। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो ऊपर घिरी बाट की। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो ऊपर घिरी बाट की। जीमो मारा जीमो मारा जीमो मारा श्याम धनी जीमावे बेटी जाटरी, जीमावे बेटी जाटरी। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो ऊपर घिरी बाट की। जीमो मारा श्याम धनी जीमावे बेटी जाटरी, जीमावे बेटी जाटरी। बापो मारो गाम गयो है, हाथ ऊपर करके भक्ति का आनंद ले लो, भक्ति की शक्ति और प्रार्थना का चमत्कार। बापो मारो गाम गयो है ना जाने कद आवेला, अरे बापो मारो गाम गयो है ना जाने कद आवेला। बापे रे भरोसे सांवरा, बापे रे भरोसे सांवरा, रह जाओ बेला। हाथ ऊपर करके बापो मारो गाम गयो है ना जाने कद आओ बेला। बापे रे भरोसे सांवरा, भूखो ही रह जाओ बेला। आज जिमाऊ थने खिचड़ो, आज जिमाऊ थने खिचड़ो, काल राबड़ी घाटरी। श्याम धनी जीमावे बेटी जाटरी, जीमावे बेटी जाटरी। अरे बार बार मंदिर में चढ़ते, बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती। किया कौन जी मेरे मोहन कड़वी कड़वी बोलती, तू जी मैं तो मैं जी मुले। मारवाड़ का सबसे लोकप्रिय गीत, पर तो भूल गई रे समरिया, अरे पर तो भूल गई रे समरिया, पर तो फेर लगायो है, पर तो भूल गई रे समरिया, पर तो फेर लगायो है। घाघरिये रे, अरे घाघरिये रे, उठ बैठ कर शाम खिचड़ो खायो है। भोड़ा भाड़ा भगता सुन, भोड़ा भाड़ा भगता सुन, सांवरिया के की आट की। जीमो बोलो जीमो, अरे जीमो मारा श्याम धनी जीमावे बेटी जाटरी, जीमावे बेटी जाटरी। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आयो सा। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आयो सा। प्रभु भक्ति पे लीन होय कर, हरख हरख गुण गायो सा। अरे प्रभु भक्ति में लीन होय कर, हरख हरख गुण गायो सा। सांचो प्रेम प्रभु सुन हो तो, सांचो प्रेम प्रभु सुन हो तो, मूरत बोले काट की। जीमो अरे जीमो बोलो जी।
इतना सा याद रखना, जब जब कहीं सड़क पर पड़ो ना, सावधान, कैमरे की नजर आप पर है। तब ध्यान रखना, कैमरे की नजर तब होती है जब आप सड़क पर चलते हैं, पर ऊपर वाले की नजर तो तब भी होती है जब आप अपने कमरे में बैठे होते हैं। उसकी नजरें बड़ी तेज होती है।